मेरा नाम है विक्टर ओस्टोवस्की और मैं इजरायली नेवी में कमांडर के रैंक पर पोस्टेड था। वहां से रिटायर होने के बाद मैंने मोसाद ज्वाइन करी, पर अब मोसाद से अनबन होने के बाद मुझे उनके रोज रोज फोन आ रहे हैं। खैर, बात यहां तक पहुंची कैसे, मैं पहले आपको बताता हूं कि मैंने मोसाद क्यों ज्वाइन करी। ये बात है साल 1979 के आखिरी दिनों की। मैं 2 दिन की अपनी सबमरीन ड्यूटी खत्म करके तेल अवीव लौटा ही था कि मेरे नेवल कमांडर ने मुझे शहर से बाहर शालिशुत मिलिट्री बेस पर एक मीटिंग में जाने को कहा। उस समय मैं कैप्टन की पोस्ट पर था और इजरायली नेवी में वेपन सिस्टम टेस्टिंग ब्रांच का प्रमुख भी। जब मैं शालिशुत बेस मीटिंग में पहुंचा तो मुझे एक छोटे से ऑफिस में ले जाया गया, जहां एक अजनबी आदमी डेस्क पर बैठा था और उसके सामने कुछ कागज रखे थे। उस आदमी ने कहा, हम जानते हैं कि आप पहले से देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक और तरीका है जिससे आप इस देश की और बेहतर सेवा कर सकते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर आप मुझे ढंग से बताएंगे कि मुझे आखिर करना क्या होगा? फिर उसने कहा, अभी हम इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन हम आपके बहुत सारे टेस्ट करेंगे ये जानने के लिए कि क्या आप इस काम के लिए फिट हैं भी या नहीं। फिर 2 दिन बाद मुझे रात 8 बजे हरजिल्ला में एक अपार्टमेंट में बुलाया गया, जहां मुझ पर कई घंटों तक साइकेट्रिक टेस्ट किए गए। स्याही के दाग से लेकर हर कल्पना के बारे में मुझे कैसे महसूस होता है, इस बारे में विस्तार से पूछा गया। 1 हफ्ते बाद मुझे तेल अवीव के उत्तरी भाग में एक मीटिंग में बुलाया गया। तब मुझे पहली बार थोड़ा शक हुआ तो मैंने अपनी वाइफ को मजाक मजाक में कहा कि कहीं ये सब मोसाद में जॉइनिंग के लिए तो नहीं है। इस मीटिंग में मैं एक व्यक्ति से मिला जिसने अपना नाम यगाल बताया था। आगे फिर उसके साथ बहुत मीटिंगें हुई। इस दौरान भी मैंने बहुत से टेस्ट दिए जिसमें इस तरह के सवाल थे, जैसे क्या आप अपने देश के लिए किसी की हत्या को नकारात्मक मानेंगे? क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है? क्या स्वतंत्र से अधिक कुछ महत्वपूर्ण है? और जैसे कि अब मैं समझ पा रहा था कि ये इंटरव्यूज पक्का मोसाद में एडमिशन के लिए ही हो रहे थे, तो मैंने वही आंसर्स दिए जो पहले से प्रेडिक्टेबल थे, क्योंकि मैं सच में पास होना चाहता था। बात ये भी थी कि मोसाद ज्वाइन करना सही में इसराइल में काफी गर्व की बात थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये मीटिंग हर 3 दिन पर होने लगी और लगभग 4 महीने तक चली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे उस नौकरी के बारे में कुछ नहीं पता था जिसके लिए मैं कई महीनों से ये सब कर रहा था, और इतने महीनों में भी किसी ने मोसाद का नाम तक नहीं लिया था। और अब मेरी वाइफ भी काफी चिंता करने लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इन रोज रोज के इंटरव्यूज की वजह से मैं काफी तनाव भी महसूस कर रहा था। फिर 1981 में युद्ध के बाद मैंने अपनी वाइफ और परिवार की सलाह पर नौसेना छोड़ दी ताकि मैं उनके साथ थोड़ा समय निकाल सकूं, और इसके साथ ही मैं अपनी वाइफ और परिवार के साथ एक लंबी छुट्टी के लिए यूरोप निकल गया। वहीं हमने काफी मजे किए और नए नए दोस्त बनाए। मैं सच बताऊं तो हम कई महीने बिना रेंट दिए इन्हीं दोस्तों के घर रुके थे। मेरी वाइफ का तो मन था यहीं रुक लिया जाए और यहीं से एक नई जिंदगी शुरू की जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता कि इसी दौरान अक्टूबर 1982 में मुझे यूरोप में एक वायर मिला जिसमें मुझे तेल अवीव में किंग शाउल बुलेवार्ड पर एक ऑफिस का पता दिया गया था, जहां मुझे तत्काल से तत्काल पहुंचना था, जहां का पता उस वायर में था। मैं वहां पहुंच गया। वहां दाहिनी ओर एक बैंक था और एंट्री गेट के बाईं ओर की दीवार पर एक छोटा सा बोर्ड था जिस पर लिखा था सुरक्षा सेवा भर्ती। मैं वहां 1 घंटे पहले पहुंच गया था तो दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया में चला गया जो पब्लिक के लिए खुला हुआ था। इस बिल्डिंग के सामने कई प्राइवेट बिजनेसेस के ऑफिस थे जो कि इस जगह को काफी रेगुलर फील करा रहे थे। मैंने चीज सैंडविच ऑर्डर किया। जैसे जैसे मैं इसे खा रहा था उस दौरान मैं कैमरे के चारों ओर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी और को भी मेरी तरह बुलाया गया है। जैसे ही मेरा टाइम हुआ और मैं नीचे गया, मुझे एक ऑफिस में भेजा गया। वहां एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था, उसके पास एक छोटी फाइल रखी हुई थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उसने वह फाइल खोली और तेजी से मेरे ऊपर नजर डाली और कहा, हम लोगों को तलाश कर रहे हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में यहूदियों को बचाना है,
हमें लगता है कि आप इसमें फिट हो सकते हैं। हम एक परिवार की तरह हैं, ये काम कठिन है और खतरनाक हो सकता है, जब तक कि हम आपको कुछ और टेस्ट से नहीं गुजार लेते। मैं आपको इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता। और टेस्ट से इस समय तक मैं बौखला गया और अभी और टेस्ट देने भी थे, लेकिन अब मुझे थोड़ी शांति भी महसूस हुई कि हाँ, ये सब मुसाद के लिए ही हो रहा है। वो आदमी समझता रहा कि टेस्ट के प्रत्येक सेट के बाद वे कॉल करेंगे। यदि मैं उनमें से किसी एक में भी फेल हो गया तो मुझे निकाल दिया जाएगा और आप हमसे दोबारा संपर्क नहीं कर सकते। कोई अपील प्रक्रिया नहीं है और मैं पास होता हूं तो मुझे अगले टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या ये समझ में आया? मैंने कहा हाँ। फिर उसने कहा, ठीक है, आज से 2 हफ्ते बाद तुम सुबह 9 बजे यहाँ पहुंच जाना, हम टेस्ट शुरू कर देंगे। फिर मैंने पूछा, क्या इसका मतलब मुझे अपने परिवार से बहुत दूर रहना होगा? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा, अच्छा है, मैं 2 हफ्ते बाद यहाँ आऊंगा। जब वो दिन आया, मुझे एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहाँ 9 और लोग थे। हम सबको 30 पेज वाला एक क्वेश्चन की किताब दी गई जिसमें कई तरह के पर्सनल क्वेश्चन थे, जैसे आप कौन हैं और आप क्या और कैसे सोचते हैं। एक बार जब हमने इसे पूरा कर लिया तो हमें बताया गया कि हम आपको कॉल करेंगे। फिर एक सप्ताह बाद मुझे फिर से एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए बुलाया गया जो मेरी इंग्लिश का टेस्ट करने वाला था कि मैं बिना इजरायली एक्सेंट के इंग्लिश बोलता हूँ या नहीं। ये मीटिंग लगभग 3 महीने तक जारी रही, लेकिन ये मेरे पहले एक्सपीरियंस के उल्टी थी। ये दिन के दौरान शहर में होती थी और मैं अकेला भी नहीं होता था। मैंने 2 पॉलीग्राफ टेस्ट भी पूरे किए। इस दौरान बार बार याद दिलाया जाता रहा कि वो अपने बारे में एक दूसरे को कुछ ना बताएं। वो बार बार कहते थे, कीप योरसेल्फ टू योरसेल्फ। जैसे जैसे मीटिंग बढ़ती जा रही थी, मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। जिस व्यक्ति ने मेरा इंटरव्यू लिया था उसका नाम उजी था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि अंतिम परीक्षा को छोड़कर बाकी सब पास कर चुका हूँ, लेकिन उससे पहले वे मेरी वाइफ बेला से मिलना चाहते थे। मैंने कहा, ठीक है। फिर मेरी वाइफ से उनका सेशन 6 घंटे तक चला। उजी ने उससे वह सब कुछ पूछा जिसकी कल्पना की जा सकती थी, न केवल मेरे बारे में बल्कि उसकी अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके मम्मी पापा, उसकी ताकत और कमजोरियों के बारे में, साथ ही इजराइल और दुनिया में उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। इस दौरान ऑफिस में एक साइकोलॉजिस्ट भी उसके सारे रिस्पॉन्सेस ऑब्जर्व कर रहा था। बाद में उजी ने मुझे वापस बुलाया और सोमवार सुबह 7 बजे आने को कहा। साथ में मुझे जींस से लेकर सूट तक कई प्रकार के कपड़ों से भरे 2 सूटकेस लाने को कहा। मुझे बताया गया कि ये मेरा लास्ट टेस्ट 3 से 4 दिन का होगा। और इस टाइम उजी ने बताया कि हाँ, ये सब मुसाद के लिए ही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। और सही बताऊं, ये शब्द सुन मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलने शुरू हो गए थे और शायद ही मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना ज्यादा खुश हुआ होऊंगा। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद ऑफिस में 2 साल की ट्रेनिंग शामिल है और इस दौरान मेरी रैंक और मेरी सैलरी प्रेजेंट में मेरी मिलिट्री रैंक से 1 रैंक ज्यादा होगी। भले ही मैंने नेवी छोड़ दी थी, तब मैं लेफ्टिनेंट कमांडर था और अब इसमें मैं कर्नल बन जाता। मैं सचमुच एक्साइटेड था कि आखिरकार ऐसा हो रहा था। मुझे लगा कि मैं सचमुच कुछ खास हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चलता है कि अभी हजारों लोगों का इंटरव्यू होना है जिसमें से वो सिर्फ 15 को ही चुनेंगे। और मैं बता दूं कि अब तक मेरी ही सिलेक्शन प्रोसेस को साल भर से ज्यादा का टाइम हो गया था। इस ब्रीफिंग के कुछ दिन बाद मुझे एक लेटर मिलता है जिसमें समय और स्थान बताया गया कि कहाँ आना है, साथ ही मुझे डिफरेंट ओकेशंस के लिए कपड़े लाने के लिए भी याद दिलाया गया। साथ ही उसमें लिखा था, मैं अपना ओरिजिनल नाम इस्तेमाल ना करूं, मुझे एक काल्पनिक नाम का उपयोग करना था और उस नई पहचान के बारे में एक शॉर्ट बैकग्राउंड स्टोरी तैयार करनी थी। मैंने अपना नाम साइमन चुना क्योंकि मेरे पिता का नाम साइमन है और मैंने खुद को एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर बताया और एक ऐसा एड्रेस दिया जिसके बारे में मुझे पता था। जनवरी 1983 में बरसात के दिन सुबह 7 बजे से ठीक पहले मैं बताई गई जगह पर पहुंच गया, जहां मैंने देखा कि 2 औरतें और 8 के आसपास आदमी लोग भी थे, साथ ही 3 या 4 लोग थे जो इंस्ट्रक्टर्स थे। तब मुझे नहीं पता था कि ये पहला बैच है जिसमें औरतें भी शामिल हो रही हैं।
फिर अपनी नई पहचान वाला लिफाफा सौंपने के बाद हम वहां से एक बस में बैठकर तेल अवीव के बाहर हाईवे की सड़क पर एक फेमस रिजॉर्ट द स्टोरी क्लब में पहुंच गए। होटल में पहुंचने के बाद हम सबको एक जोड़े में बेडरूम के सामान रखने के लिए भेज दिया गया और फिर इकट्ठा होने को कहा गया। कंट्री क्लब के सामने ही एक पहाड़ी पर एक बिल्डिंग थी जिसे वैसे तो प्राइम मिनिस्टर का समर होम बताया जाता था, लेकिन वो सच में मदरसा था, मतलब वो मोसाद की ट्रेनिंग एकेडमी थी। मैंने पहले दिन उस पहाड़ी की तरफ देखा। इसराइल में हर कोई जानता था कि उस जगह का मोसाद से कुछ तो लेना देना ज़रूर है। मुझे पहले तो थोड़ा शौक लगा कि क्या इस टेस्ट के बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। जैसे ही हम नीचे होटल के हॉल में पहुँचे, वहाँ काफ़ी बड़ा बुके लगा हुआ था जिसमें इतना खाना था जितना मैंने पहले कभी एक साथ नहीं देखा था। साथ ही वहाँ एक शेफ भी था जो इंतज़ार कर रहा था कि अगर किसी को कुछ स्पेशल चाहिए तो वो ऑर्डर कर सके। हम 10 लोगों के अलावा वहाँ लगभग एक दर्जन लोग नाश्ता कर रहे थे। फिर हमने भी इत्मीनान से नाश्ता किया और कॉन्फ्रेंस रूम में कॉफ़ी के साथ सिगरेट के कश लिए। उसके बाद उजी ने ग्रुप को संबोधित किया और कहा, वेलकम टू द टेस्ट। उजी ने बताया कि हम यहाँ 3 दिन तक रहेंगे और इस दौरान ऐसा कुछ ना करना जो आपसे करने की अपेक्षा नहीं की जाती। किसी भी परिस्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करें। हम उस तरह के लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। आप पहले ही कई परीक्षण पास कर चुके हैं, अब हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप हमारे लिए सही हैं या नहीं। उन्होंने आगे कहा, आप में से प्रत्येक को एक गाइड नियुक्त किया जाएगा। आप सब ने एक कवर के तौर पर एक नाम और प्रोफेशन चुना है, उसे बनाए रखने का आप अब प्रयास करोगे। इसके बाद हम सभी 10 रिक्रूटर्स ने अपना कवर नाम और स्टोरी बताना शुरू किया। इस दौरान टेबल पर बैठे इंस्ट्रक्टर में से कोई भी हमारी स्टोरी के बारे में प्रश्न पूछ सकता था। ये काफ़ी मज़ेदार था। ये एक्सरसाइज करीब 3 घंटे तक चली। फिर हमें कहा गया कि जाइए, दूसरे कपड़े पहन कर आइए, हमें शहर में जाना है। हमें 3-3 छात्रों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। हम एक कार में थे और हमारे साथ 2 और इंस्ट्रक्टर्स थे और उन्होंने कहा कि आपका फाइनल टेस्ट अब शुरू होता है। शाम के करीब 4:30 बजे हमारी कार तेल अवीव के किंग शाउल बुलेवार्ड में थी। इस दौरान एक इंस्ट्रक्टर मेरी तरफ मुड़ा और बोला, वहां 3री मंजिल पर वो बालकनी दिख रही है, मैं चाहता हूं कि आप उस बिल्डिंग में 6 मिनट में घुस जाएं और वहां मालिक या किराएदार के साथ बालकनी पर करीब 3 मिनट खड़े हों और इस दौरान आप हाथ में एक गिलास पानी का भी पकड़े हों। अब मैं डर गया था, हमारे पास कोई आईडी नहीं थी और आईडी ना रखना इसराइल के कानून के खिलाफ है। साथ ही हमसे कहा गया कि हम केवल अपना कवर नेम ही इस्तेमाल करें, चाहे कुछ भी हो, और यदि आप पुलिस से भी उलझते हैं तो कवर स्टोरी ही बतानी है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तेज़ी से बिल्डिंग में चला गया। मैं उस अपार्टमेंट के सामने था, मैंने गेट पर दस्तक दी तो लगभग 65 वर्ष की एक महिला ने उत्तर दिया, हाय। मैंने हिब्रू में कहा, मेरा नाम साइमन है, मैं परिवहन विभाग से हूँ। आप जानते हैं कि बाहर के चौराहे पर काफ़ी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। फिर मैं उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए रुका। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है। फिर मैंने कहा, हम आपकी बालकनी किराए पर लेना चाहते हैं ताकि उस चौराहे पर ट्रैफिक की फिल्मिंग कर सकें। उसने कहा, मेरी बालकनी किराए पर? मैंने कहा, हाँ हम आपकी बालकनी पर एक कैमरा लगा देंगे, वहाँ और कोई व्यक्ति नहीं होगा और इसके लिए आपको £500 प्रति माह मिलेगा। इसके लिए मुझे एक बार आपकी बालकनी देखनी पड़ेगी कि क्या वहाँ से सही एंगल मिल रहा है या नहीं। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर वो मुझे अपनी बालकनी की तरफ लेकर जाने लगी तो मैंने कहा, सॉरी आपको परेशान करने के लिए, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, आज बहुत गर्मी है। फिर हम दोनों जल्द ही बालकनी पर एक साथ खड़े होकर नीचे सड़क की ओर देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा कि हर कोई हमें देख रहा था। जब महिला ने अपना सिर घुमाया तो मैंने अपना गिलास इंस्ट्रक्टर को दिखाया। मैंने महिला का नाम और फ़ोन नंबर लिया, उससे कहा कि हमें अभी भी कुछ अन्य स्थानों की जांच करनी है
और अगर हमने आपकी बिल्डिंग चुनी तो आपको बता देंगे। और उस बिल्डिंग से नीचे आते वक्त मैं इतना खुश था कि क्या बताऊँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने अचानक ये सब कैसे सोचा। फिर जब मैं वापस नीचे गया तो बाकी लोगों में से एक अपने टास्क पर चला गया था। वो एक एटीएम के पास गया जहां उसे किसी भी अजनबी से $10 के बराबर का उधार लेना था। उसने एक आदमी से कहा कि उसे कैब की जरूरत है क्योंकि उसकी पत्नी अस्पताल में है और उसके बच्चे का जन्म हो रहा है और उसके पास पैसे नहीं है। उसने आदमी का नाम और पता लिया और उसे पैसे भेजने का वादा किया। उस आदमी ने उसे पैसे दे दिए, लेकिन ग्रुप का तीसरा छात्र उतना भाग्यशाली नहीं था। उसे एक अन्य अपार्टमेंट बिल्डिंग की बालकनी में जाने के लिए कहा गया था, इसलिए वो सबसे पहले ये कहकर छत पर पहुंच गया कि वह टेलीविजन एंटीना की जांच कर रहा है। दुर्भाग्य से जब वो अपनी कहानी लेकर चुने हुए अपार्टमेंट में गया तो किरायेदार से पूछा कि क्या वह उनकी बालकनी से एंटीना देख सकता है, तो उसे पता चला कि वह आदमी एंटीना कंपनी में ही काम करता था। उस आदमी ने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एंटीना में कुछ भी खराबी नहीं है। जब उस व्यक्ति ने पुलिस बुलाने की धमकी दी तो छात्र को जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा। इस टास्क के बाद हम हायरकोन स्ट्रीट पर पहुंचे जहां सभी मेजर होटल्स थे। तभी एक इंस्ट्रक्टर ने कहा, सड़क पार देखो, बेसल होटल, वहां जाओ और गेस्ट लिस्ट में से ऊपर से तीसरा नाम मेरे लिए ले आओ। और ऐसे ही मेरा दूसरा टास्क शुरू हो गया। इसराइल में होटल गेस्ट बुक काउंटर के नीचे रखी जाती है, ऊपर नहीं, और ये कई अन्य चीजों की तरह कॉन्फिडेंशियल मानी जाती है। जैसे ही मैं सड़क पार कर रहा था, अंधेरा होने लगा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये नाम कैसे मिलेगा। मैं जानता था कि ये एक खेल था, लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ था और एक्साइटेड था। मैं सफल होना चाहता था। मैंने इंग्लिश बोलने का फैसला किया क्योंकि ऐसा करने पर वे सोचते हैं कि आप एक पर्यटक हैं। मैं डेस्क के पास पहुंचा और पूछा, क्या मेरे लिए कोई मैसेज है? क्लर्क ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या आप मेहमान हैं? नहीं, मैं नहीं हूं, मैंने कहा, लेकिन मैं यहां किसी से मिलने की उम्मीद कर रहा हूं जो यहां पहले से है। क्लर्क ने पूछा, उसका नाम क्या है? मैंने बोला, जोसेफ। फिर क्लर्क गेस्ट बुक निकाल कर देखने लगा और मैं भी उसका नाम ढूंढने में मदद करने लगा, लेकिन मैं वास्तव में ऊपर से तीसरा नाम पढ़ रहा था। फिर मैंने कहा, ओह, ये बेसल होटल है। मैंने सोचा कि ये एक सिटी होटल था। मुझे क्षमा करें, मैं कितना मूर्ख हूँ। फिर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे इंस्ट्रक्टर को कैसे पता चलेगा कि मुझे जो नाम मिला था वह सही है। फिर मैंने सोचा, इसराइल में हर एक कॉन्फिडेंशियल चीज तक मोसाद की पहुँच है, तो ये तो फिर भी एक होटल की गेस्ट लिस्ट थी। ये टास्क भी पूरा होने के बाद एक इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये आज दिन का आखिरी टास्क होगा और मुझे एक टेलीफोन माइक दिया जिसमें दो तार लगे हुए थे। मुझे बताया गया कि ताल होटल में जाओ और वहां लॉबी में लगे पब्लिक फोन से उसका स्पीकर हटा के इसे इंस्टॉल करो और वो वाला स्पीकर लेकर आओ। ध्यान रहे, फोन काम करता रहना चाहिए। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, लोग फोन के पास कतार लगाकर खड़े थे, लेकिन मैंने खुद से कहा, मुझे ये काम करना है। जब मेरी बारी आई तो मैंने टोकन को स्लॉट में डाला और एक रैंडम नंबर डायल किया और रिसीवर को अपने गाल से पकड़ लिया। मेरे घुटने कांप रहे थे। लोग अभी भी मेरे पीछे लाइन लगाकर खड़े थे। मैंने माउथपीस के ऊपरी हिस्से को खोल दिया, फिर अपनी जेब से अपनी नोटबुक निकाली और ध्यान भटकाने वाले इशारे किए जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। मैंने रिसीवर को अपनी थोड़ी और कंधे के बीच दबा लिया और अंग्रेजी बोलने लगा। इस दौरान मेरे पीछे एक आदमी बिल्कुल करीब खड़ा था और लगभग मेरी गर्दन को नीचे कर रहा था। मैंने अपनी नोटबुक नीचे रखी और पीछे मुड़कर कहा, एक्सक्यूज मी, और जैसे ही वह थोड़ा पीछे हटा, मैंने नया स्पीकर जोड़ दिया और जल्दी से माउथपीस पर प्लास्टिक का हिस्सा वापस कसने के बाद फोन काट दिया। जैसे ही मैंने स्पीकर को अपनी जेब में रखा था तो मैं कांप रहा था। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, कभी कुछ चुराया नहीं था। हम जल्द ही कंट्री क्लब में थे। रात के खाने के बाद हमें सुबह तक उस दिन की प्रत्येक एक्टिविटी पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर सुबह देने को कहा गया, जिसमें कुछ भी छोड़ा ना जाए, चाहे वो कितना भी महत्वहीन क्यों ना लगे। आधी रात का समय था और मेरे रूममेट थके हुए थे और टीवी देख रहे थे।
और मैं बहुत खुश था कि मैंने अपने टास्क कितने अच्छे तरह से किए। तभी एक इंस्ट्रक्टर ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मैं जीन्स पहनकर उसके साथ आऊँ। वो मुझे एक बाग के पास ले गया और कहा, इधर एक मीटिंग होने वाली है, मैं जाता हूँ कि तुम इधर रुको और पता करो कि मीटिंग में कितने लोग आए और उन्होंने क्या बात की। मैं तुम्हें 2-3 घंटे में लेने आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। वो मुझे एक सड़क से होते हुए उस बाग की ही एक वाड़ी तक ले गए, जहाँ सड़क के नीचे कंक्रीट की पाइपें बिछी हुई थी। उसने पाइप की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ छिपने के लिए एक अच्छी जगह है, यहाँ पड़े पुराने अखबार से तुम खुद को छुपा सकते हो। मेरे लिए ये एक रियल टेस्ट था, क्योंकि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे कीड़े मकौड़ों से नफरत है, और ये बात उन्हें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से पता चल गई थी। ये मेरे जीवन के सबसे लंबे 3 घंटे थे और वहाँ कोई नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं हुई। मैं कोशिश करता रहा कि ना सोऊं, मैं खुद को याद दिलाता रहा कि मैं कहाँ हूँ, और इससे मैं जागता रहा। और फिर इंस्ट्रक्टर वापस आया, उन्होंने कहा, मैं बैठक पर पूरी रिपोर्ट चाहता हूँ। मैंने उत्तर दिया, यहाँ कोई नहीं था। फिर उसने कहा, क्या आपको यकीन है? मैंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, शायद तुम सो गए। मैंने कहा, मैं नहीं सोया। फिर इंस्ट्रक्टर ने कहा, मैं यहाँ से गुजरा। मैंने कहा, तुम कहीं और से गुजरे होंगे, यहाँ कोई नहीं आया। वापस जाते समय मुझसे कहा गया कि इस घटना के बारे में बात ना करूं। अगली शाम हमारे पूरे ग्रुप को साधारण कपड़े पहनने के लिए कहा गया। हमें तेल अवीव ले जाया गया, जहां सबको एक स्पेसिफिक बिल्डिंग दी गई जिसकी निगरानी करनी थी और उस पर एक कवर स्टोरी बनानी थी। मुझे तेल अवीव की मेन स्ट्रीट डिजिंग ऑफ स्ट्रीट से एक ब्लॉक दूर छोड़ दिया गया और एक 5 मंजिला बिल्डिंग को देखने और उसमें आने वाले हर किसी को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया। मतलब वो किस समय आए और किस समय चले गए, उनकी सारी डिटेल, कौन सी लाइटें जल रही थी, कौन सी बंद थी, सब कुछ। उन्होंने कहा कि वे मुझे कुछ ही देर में यहाँ से ले जाएंगे। मैंने पहले सोचा कि मैं कहीं छुप जाऊं, लेकिन मुझसे कहा गया था कि मुझे उनकी नज़र में भी रहना है। तब मैंने सोचा कि मैं बिल्डिंग की ड्राइंग करना शुरू कर देता हूं और साथ ही पीछे के पेज पर आवश्यक जानकारी नोट करता रहूंगा। अभी आधे घंटे ही बीते थे कि मेरे पास एक कार आकर रुकी और एक आदमी बाहर निकला और उसने अपना बैच दिखाया। उसने पूछा, मैं कौन हूँ? मैंने कहा, साइमन लहाय। फिर उसने पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा, ड्राइंग बना रहा हूँ। फिर उसने कहा कि पड़ोसियों में से एक ने शिकायत की है कि मैं बैंक पर नजर रख रहा हूँ। फिर उसने मुझे कार में बैठने को कहा। उस कार में पहले से 3 पुलिसकर्मी थे, एक ड्राइवर सीट पर बैठा और दूसरा आगे की सीट पर। मैं जैसे ही कार के अंदर गया, उसने रेडियो पर किसी को बताया कि उन्होंने किसी को उठाया है। जैसे ही मैं कार में बैठा, जिसने मुझे कार में बैठने का आदेश दिया था, वो मेरे बगल वाली पिछली सीट पर आकर बैठ गया। फिर आगे वाले ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, साइमन। लेकिन फिर उसने बिना कुछ जवाब दिए ही क्वेश्चन दोबारा पूछा। जैसे ही मैं जवाब देने जा रहा था, तभी मेरे बगल वाले आदमी ने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा और बोला, चुप रहो। अब मैं सदमे में था, मैं सोच रहा था कि मेरे लोग कहाँ गए, क्या ये सभी टेस्टिंग का हिस्सा है? फिर मेरे बगल वाले ने पूछा, मैं कहाँ से हूँ? मैंने कहा, हुलून। तभी सामने वाले पुलिसकर्मी ने मेरे माथे पर मुक्का मारा और कहा, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था। जब मैंने कहा कि मैं हुलून से साइमन हूँ, इतने में पीछे वाले ने मेरे सिर को आगे की ओर धकेला और मेरे हाथों को मेरी पीठ के पीछे करके हथकड़ी लगा दी। मेरे बगल वाला पुलिसकर्मी बोला, तुम एक घटिया ड्रग डीलर हो। मैंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ ड्राइंग कर रहा था, मैं आर्टिस्ट हूँ। तभी एक ने मेरे से वो पेपर ले लिया और नीचे फेंक दिया और अपने जूते उतारने को कहा। हथकड़ी के साथ ऐसा करना कठिन हो रहा था। फिर एक ने कहा, ड्रग्स कहाँ रखे हो? मैंने कहा, मैं ड्रग्स नहीं लेता, मैं एक कलाकार हूँ। तभी एक आदमी ने मेरे जबड़े पर इतने जोर से मारा, मुझे लगा कि मेरा एक दांत टूट गया है। वो लगातार मुझे मारते रहे और शहर के चारों तरफ गाड़ी को घुमाते रहे। मुझे लगा कि ये सीधे तौर पर टॉर्चर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास आईडी भी नहीं थी। तभी एक ने मेरी पैंट उतार दी और कहा कि वो उसमें नशीली दवाइयों का जांच करना चाहते हैं। मैं बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन आखिरकार वे नरम हो गए और मुझ पर विश्वास करने लगे।
मैंने कहा कि मैं वहां वापस जाना चाहता हूं जहां से आपने मुझे उठाया है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे वहां कैसे पहुंचाया जाए और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो वापस मुझे उस एरिया में ले गए और एक बस स्टॉप पर रुके। एक पुलिस वाले ने मेरी ड्राइंग फर्श से उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी और दूसरे ने हथकड़ी खोली। इस दौरान एक पुलिसकर्मी रिपोर्ट भर रहा था। फिर उन्होंने मुझे कार से बाहर फेंक दिया और मेरे ऊपर मेरी पैंट और मेरे जूते फेंक दिए और चेतावनी देते हुए कहा कि जब हम वापस आए तो तुम इधर ना दिखना। और मैं पूरी तरह सदमे में था, आखिरकार मैंने नेवी में इतने साल बिताए थे पर ऐसे टेस्ट का तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। खैर, मैं सड़क पर लेटा हुआ था, लोग बस से उतर रहे थे और मेरे पास कोई पैंट नहीं थी, लेकिन मुझे वे कागजात उठाने ही थे। जब मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया हूँ, क्योंकि अगर रिपोर्ट नहीं लिखी तो मेरी इतनी मेहनत तो वेस्ट ही थी। 30 मिनट बाद मैंने कपड़े पहने और मैं अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए वापस कंट्री क्लब चला गया था। बहुत बाद में मैं फिर से वही पुलिसकर्मियों से मिला। वे बिल्कुल भी पुलिसकर्मी नहीं थे। ऐसा लगता है कि उस रात हर कोई ट्रेनी अपने पुलिसकर्मियों से मिला था और ये सही में टेस्ट का हिस्सा था। तीसरे दिन नाश्ते के बाद हमें वापस तेल अवीव में ले जाया गया और इसके बाद अगले टास्क के लिए हमारी कार बैंक हपोलिंग के सामने रुक गई। मुझसे कहा गया कि मैं अंदर जाऊं और मैनेजर का नाम, निजी पता और उसके बारे में जितनी संभव हो उतनी जानकारी ले लूं। आपको ये याद रखना होगा कि इजराइल एक ऐसा देश है जहां हर कोई हर समय हर किसी चीज़ के बारे में संदेह करता है। मैं सूट पहनकर अंदर गया और एक क्लर्क से मैनेजर का नाम पूछा। क्लर्क ने मुझे बताया और मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया। मैं मैनेजर के पास गया और कहा, मैं लंबे समय से यूएसए में रह रहा हूं, लेकिन अब इसराइल वापस आना चाहता हूं, इसलिए एक नए अकाउंट में एक बड़ी रकम ट्रांसफर करना चाहता हूं। हम बात करते करते उसके ऑफिस में गए तो देखा कि उसके टेबल पर ब्रेथ प्लेक्यू था, इसलिए हमने कुछ देर तक इस बारे में बात की और मुझे पता चला कि उसका जल्द ही न्यूयॉर्क में ट्रांसफर होने वाला था जहाँ वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता। उसने मुझे अपने घर पर भी आमंत्रित किया और मैंने कहा कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने कहा, अभी तक मेरे पास इसराइल में कोई फोन नंबर नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे अपना नंबर दें तो मैं उसे फोन करूंगा। मैंने उसे बताया था कि मैं यहाँ सेटल होने के लिए $1.5 लाख की बात कर रहा था। पैसे की बात हमारी 10 से 15 मिनट में ही सुलट गई थी और एक घंटे के अंदर ही मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उस टेस्ट को पूरा करने के बाद दो अन्य ट्रेनीज और मुझे फिर से ताल होटल ले जाया गया और कहा गया जब तक बाकी लोग वापस नहीं आ जाते तब तक वेट करें। अभी हमें वहां 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे तभी 6 आदमी अंदर आए। एक ने सीधे मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, यही वो है। तभी दूसरे ने कहा, हमारे साथ आओ, हम होटल में हंगामा नहीं करना चाहते हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक ने बैज चमकाते हुए कहा, आना हमारे साथ। उन्होंने हम तीनों को एक वैन में बिठाया, हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी और शहर में इधर उधर घुमाने लगे। अंत में हमें एक बिल्डिंग में ले जाया गया, आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। फिर हमें अलग कर दिया गया। मैं लोगों के आने जाने की हलचल सुन सकता था, लेकिन मुझे एक छोटा कोठरी के आकार के कमरे में डाल दिया गया और बैठने के लिए कहा गया। 2-3 घंटे बाद मुझे कमरे से बाहर निकाला गया। जाहिर तौर पर मैं एक छोटे से बाथरूम में टॉयलेट सीट पर बैठा था। यह दूसरी मंजिल पर मुसाद की ट्रेनिंग एकेडमी थी, हालांकि तब मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मुझे गलियारे से दूर दूसरे छोटे कमरे में ले जाया गया जहाँ खिड़की पर अंधेरा था और एक भारी भरकम दिखने वाला लड़का वहाँ बैठा हुआ था। उसकी आंख में एक छोटा सा काला बिंदु था, ऐसा लग रहा था मानो उसके 2 पिंपल्स हो। उसने मुझे धीरे से सवाल पूछना शुरू किया, मेरा नाम क्या है, मैंने उस दिन होटल में टेलीफोन से छेड़छाड़ क्यों की थी, क्या मैं कोई टेररिस्ट एक्ट प्लान कर रहा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। एक पॉइंट पर उसने कहा कि वे मुझे मेरे पते पर ले जाएंगे। मुझे पता था कि ये एक खाली जगह है, इसलिए मैं हंसने लगा। उन्होंने पूछा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ और मैंने कहा कि मुझे लगा कि ये एक फनी सिचुएशन थी। मेरा घर कहाँ है, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। ये जरूर किसी प्रकार का मजाक होगा,
मैंने कहा, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कि उसे मेरी जैकेट चाहिए, तो उसने ले लिया। फिर उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। जब वे मुझे वापस मेरे बाथरूम में ले गए तो मैं पूरा नग्न था, और इससे पहले कि वे दरवाजा बंद करते, किसी ने मुझ पर पानी की एक बाल्टी फेंक दी। उन्होंने मुझे लगभग 20 मिनट तक कांपते हुए छोड़ दिया। फिर मुझे वापस कार्यालय में उस हट्टे कट्टे आदमी के पास ले जाया गया। फिर उसने कहा, अब तुम्हें हंसने का मन हो रहा है? मुझे कार्यालय और छोटे से बाथरूम के बीच 4-5 बार आगे पीछे ले जाया गया। जब भी कोई ऑफिस का दरवाजा खटखटाता तो मुझे टेबल के नीचे छुपा दिया जाता। ऐसा करीब 3 बार हुआ। आखिरकार इस आदमी ने मुझे कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने मेरे कपड़े लौटा दिए और कहा कि वे मुझे वहीं वापस ले जाएंगे जहां उन्होंने मुझे उठाया था। उन्होंने फिर से मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कार में बिठा दिया। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने इंजन चालू किया, किसी ने चिल्लाकर कहा, 1 मिनट रुकें, उसे वापस लाओ। हमने उसका पता जांचा और वहां कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने कहा। लेकिन उन्होंने मुझे फिर वापस बाथरूम में डाल दिया। 20 मिनट और बीत गए। वे फिर मुझे वापस ऑफिस में ले गए और बोले, माफ करें, गलती हो गई। उन्होंने मुझे कंट्री क्लब में छोड़ा, फिर से माफी मांगी और चले गए। मुझे तो याद भी नहीं है मुझे तब कैसा फील हुआ था। ये सब मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हमें बचपन से बताया गया था, अगर मोसाद है तो इजराइल है। इसके बाद ये मोसाद एकेडमी में सिलेक्शन के लिए टास्क्स की चौथी सुबह, पहले तो हम सभी को बातचीत के लिए एक एक करके कमरे में बुलाया गया। उन्होंने पूछा, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि आप सफल थे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। आपने मुझसे कहा था कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूं और मैंने किया। उनमें से सब एस्पिरेंट्स कुछ 20 मिनट तक वहां थे, लेकिन मैं वहां 4 या 5 मिनट रहा। अंत में उन्होंने थैंक्स कहा और बोले, हम आपको कॉल करेंगे। 2 सप्ताह बाद उन्होंने कॉल किया। मुझे अगली सुबह जल्दी ऑफिस में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। अब मैं अंदर था और उन्होंने कहा, आज मोसाद एकेडमी में एडमिशन से पहले कुछ रियल टास्क होंगे, तो अगले संडे शाम 9:15 पर फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बात थी ही ऐसी, आखिर इतनी मेहनत करने के बाद आज मैं फाइनली मोसाद एकेडमी में अपनी पहली क्लास अटेंड करने लगा था कि तभी मैं देखता हूँ कि 2 बंदे हमारी क्लास में आते हैं और गोलियाँ बरसाना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाता, तभी मैं देखता हूँ हमारे मोसाद इंस्ट्रक्टर्स लहूलुहान हो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। 1 फरवरी 1984 के एक सर्दिन मैंने खुद को एक छोटी बस में 14 अन्य लोगों के साथ पाया। मैं इनमें से किसी से भी पहले नहीं मिला था, लेकिन बस जैसे ही 1-2 मंजिल बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, हम सब उत्साहित हो गए कि फाइनली हमारा मोसाद में कोर्स शुरू हो चुका है। हम सब एक बड़े हॉल में इकट्ठा हुए। मैं वहां जैसे ही पहुंचा तो मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पहले भी प्री ट्रेनिंग टेस्ट के दौरान आ चुका हूँ। दरअसल प्री ट्रेनिंग टेस्ट के दौरान जब वो मुझे उस छोटे बाथरूम तक घसीटते हुए ले जा रहे थे, तब मैंने इस जगह की कुछ सीढ़ियां देख ली थी क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी ढंग से नहीं बांधी थी। खैर, हम सभी वहां थोड़ी देर रुके थे कि इतने में एक अफ्रीकन मूल का आदमी हमें हॉल के साथ वाली क्लास में जाने को कहता है। तो हम क्लास में जाकर देखते हैं कि हर एक बेंच पर अलग अलग कैडेट का नाम लिखा हुआ था, जिस पर कि हमें एक एक कर बैठना था। खैर, हम सभी अपने नाम के मुताबिक बैठना शुरू करते हैं कि तभी अचानक 3 आदमी अपने जूतों की आवाज़ करते हुए क्लास के अंदर आ जाते हैं। उनमें से एक तो टेबल की ओर बढ़ता है, जबकि बाकी 2 कमरे के पीछे आकर बैठ जाते हैं। अब जो टेबल की तरफ गया था वो बोलना शुरू करता है और कहता है, मेरा नाम अहरून है और मैं इस अकेडमी का डायरेक्टर हूँ। खैर मोसाद में अब आपका स्वागत है, जिसका मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, और हमारा मोटिव है बाय वे ऑफ डिसेप्शन दो शॉल्ट डू वॉर।
खैर डायरेक्टर ने इतना कहा और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं मुसाद अकेडमी में डायरेक्टर की स्पीच सुन रहा हूँ। फिर डायरेक्टर ने आगे कहा, आप एक टीम है, आपको हज़ारों में से चुना गया है, आपके पास वो सब कुछ बनने की पूरी क्षमता है जिसका आपने अब तक किताबों में सुन रखा है। उन्होंने आगे कहा, आपको ये समझना होगा कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में कोटा जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम एक भी ऐसे व्यक्ति को पास नहीं करेंगे जो 100% योग्य नहीं है। हम आपको खुद तैयार करने में मदद करेंगे और जब आप यहाँ से निकलेंगे तो दुनिया के सबसे योग्य खुफिया लोगों में से एक होंगे। आपको यहाँ टीचर्स नहीं बल्कि फील्ड के लोग मिलेंगे जो आपको एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि भविष्य के पार्टनर्स के रूप में ट्रीट करेंगे। आपका ज्ञान अनुभव पर आधारित है और हम यही चाहते हैं कि वो आपके पास भी हो। खैर ये एक बहुत खतरनाक खेल है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। फिर उन्होंने कहा, मैं इस अकेडमी का और मुसाद में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ और हर समय यहीं पर हूँ, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। अब मैं आपको आपके इंस्ट्रक्टर्स के साथ छोड़ता हूँ। जब ये बोल रहे थे तभी एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ और बैठ गया। जैसे ही डायरेक्टर गए ये भारी शरीर वाला व्यक्ति खड़ा हुआ और अपना परिचय देने लगा। उसने बोला, मेरा नाम ऐतन है और मैं मुसाद के इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ। फिर उसने कहा, मुसाद शब्द को भूल जाओ, मैं इसे कभी भी आपके मुँह से दोबारा नहीं सुनना चाहता। अगर बाय चांस आपको अपने किसी दोस्त को बताना है तो आप ये करेंगे कि आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जहां तक नए दोस्तों की बात है तो आप उन्हें बिना मंजूरी के नहीं बना सकते। साथ ही आप अपने काम के बारे में बात करने के लिए टेलीफोन का उपयोग नहीं करेंगे। अगर मैंने आप में से किसी को भी घर से ऑफिस के बारे में बात करते हुए पकड़ लिया तो आपको कड़ी सजा दी जाएगी। मुझसे मत पूछिए कि मुझे कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, मुझे सब पता है। अगर मुझे कुछ जानने की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। आपका हर 3 महीने में एक बार लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा और बाद में जब भी आप विदेश दौरे या इसराइल के बाहर होंगे और जब वापस आएंगे तो आपको ये टेस्ट दोबारा देना होगा। आपको वैसे इस टेस्ट से इनकार करने का पूरा अधिकार है, खैर जो कि मुझे आपको गोली मारने का अधिकार देता है। मैं फ्यूचर में आपसे कई बार मिलूंगा और हम बाकी और चीज़ों पर बात करेंगे। वैसे आपको कुछ ही दिनों में आईडी टैग्स मिल जाएंगे। और इतना कहकर इतन ने बस सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। ये सब सुन हर एक बंदा इस कमरे में पसीनों पसीने हो गया और इसके बाद पीछे से उठकर ऑरेन रिफ और असिस्टेंट रैन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के पूरे होने के बाद रिफ ने कहा, हम उन दो सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे जिनमें अगले 2 या 3 महीनों में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लग सकता है। एक तो था सिक्योरिटी, दूसरा था नाका। फिर उन्होंने कहा, आइए नाका सीखना शुरू करें और इसी से आज हमारा मुसाद एकेडमी में पहला लेक्चर शुरू हो गया। उन्होंने अभी अपना नाका पर लेक्चर शुरू ही किया था कि क्लासरूम के दरवाजे पर 2 लोगों ने लात मारी और अंदर आ गए। एक के पास बड़ी सी पिस्तौल थी तो दूसरे के पास एक मशीन गन और उन्होंने तुरंत क्लास में गोलीबारी शुरू कर दी। ट्रेनिस ने तो हफड़ा दफड़ी में फर्श की ओर छलांग लगा दी लेकिन रिफ और रैन दोनों खून से लथपथ होकर दीवार से टकराकर पीछे की ओर गिर गए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते दोनों लोग एकेडमी से बाहर खड़ी एक कार में बैठे और चले गए। हम पूरी तरह सदमे में थे लेकिन इससे पहले कि हम कोई रिएक्शन दे पाते रिफ खड़े हुए और उन्होंने एक ट्रेनी जेरी की ओर इशारा किया और कहा, हम ठीक हैं, अभी मरे नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं अभी अभी आपने इस गोलीबारी में क्या क्या नोटिस किया। मेरा मतलब कोई भी जानकारी जो हमें हमलावरों तक पहुंचाने में मदद कर सकती हो। खैर जेरी तो ये सब सुन और भी ज्यादा घबरा गया था लेकिन फिर भी उसने हमलावरों का हुलिया बताना शुरू किया। फिर जैसे जैसे जेरी बता रहा था रिफ ने वैसा ही उस ब्लैकबोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बाकी क्लास से पूछा कि क्या जेरी की बताई इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो बाकियों ने भी अपने हिसाब से हमलावरों की पहचान बताने की कोशिश करी।
जब सबको लगा कि हाँ उन्होंने हमलावरों के बारे में काफ़ी बातें बता दी हैं, तो रिफ अचानक क्लास के बाहर चले गए और उन्हीं हमलावरों के साथ वापस अंदर आकर ब्लैकबोर्ड के सामने खड़े हो गए। लेकिन जैसा हमने बताया था वो वैसे बिल्कुल नहीं थे, यानी हमने उन्हें पहचाना ही नहीं था। दरअसल वो दो व्यक्ति ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के ऑपरेशनल सिक्योरिटी या अपाम के हेड मौसा और उनके असिस्टेंट डॉव थे। फिर मौसा ने कहा, हम आपको समझाएंगे कि ये सब नाटक किस बारे में था। उन्होंने कहा, हम अपना ज़्यादातर काम विदेशों में करते हैं, हमारे लिए हर चीज़ या तो दुश्मन है या निशाना, फ्रेंडली कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद आप घबरा नहीं सकते, आप लगातार उस खतरे के बारे में नहीं सोच सकते जिससे आपको डर है, यदि आपने ऐसा किया तो आप अपना काम करने में फेल हो जाओगे। फिर मौसा ने कहा, हम आपको कई स्टेजेस में सिक्योरिटी के बारे में सिखाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी और काम में कितने अच्छे हैं या आप कितने कैपेबल और स्मार्ट हैं, अगर आप मेरे अनुसार APAM पास नहीं करते हैं तो आप इस कोर्स से बाहर हैं। APAM एक टूल है जिससे आप इंटेलिजेंस एक्टिविटी को सिक्योर करोगे और ये आपको शांति और सुरक्षा देने के लिए है, ताकि अपना काम ठीक से कर सकें और कंट्रोल में रह सकें। इसे सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप में किसी विशेष प्रतिभा के होने की आवश्यकता है, लेकिन समय के साथ आपको ये सीखने में सक्षम होना पड़ेगा। मौसा ने कहा, मैं जो चीज़ें आपको अगले 2 या 3 सालों में सिखाऊंगा वे अचूक हैं। ये वो टूल हैं जिससे आप अपने दुश्मन को हर बार हरा सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है, और ये कहकर वो भी क्लास के बाहर चले जाते हैं। खैर, हमारा दिन 5 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था, सुबह 8 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, 11 से 1 बजे तक, 2 से 3 बजे तक और 3 से 8 बजे तक। हमें नियमित रूप से 20 मिनट का ब्रेक मिलता था और दोपहर का खाना 1 से 2 के बीच होता था। वही कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, नाका, अपाम, जनरल मिलिट्री और कवर। कवर ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपनी कवर स्टोरी को कैसे डेवलप कर सकते हो, क्योंकि कवर स्टोरी एक ऑपरेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट वेरिएबल साबित होता है। मतलब अगर आप किसी टारगेट को बताते हो कि आप एक डेंटिस्ट हो, तो एज ए काटसा आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपको इस कवर का गहराई से पता हो, और ये तो हुआ एक कवर। लेकिन एक काटसा रियल टाइम ऑपरेशन में 5 से 6 कवर डेवलप करके चलता है। कवर को आप एक मास्क समझ सकते हो जिसको बदलते ही आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है। खैर, हमने कवर का अभ्यास करने के लिए लाइब्रेरी फाइल्स के माध्यम से कई शहरों के बारे में पढ़ा। किसी दिए गए शहर के बारे में बात करना सीखने में काफ़ी समय बिताया, जैसे कि हम अपने पूरे जीवन में वही कर रहे हों। हमने पर्सनैलिटी डेवलप करना और अलग अलग प्रोफेशन के बारे में सीखा। इसमें अनुभवी कात्सास के साथ मीटिंग शामिल थी, जहां कैजुअल कन्वर्सेशन के माध्यम से कवर कहानियों का टेस्ट किया जाता था। ये सभी चीज़ें एक कैमरे वाले कमरे में प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि बाकी ट्रेनी भी उसे देख सकें और सीख सकें। हमारे इंस्ट्रक्टर्स की कोशिश यही रहती थी कि हम कवर की प्रैक्टिस के दौरान बहुत अधिक जानकारी एक साथ अपने टारगेट को ना दें। यह सुनने में तो आसान लग रहा है, पर रियल में सभी ट्रेनी इसी टॉपिक पर मिस्टेक्स कर रहे थे। ये शेड्यूल फॉलो करते करते अब तक हमारी ट्रेनिंग के 11 हफ्ते बीत चुके थे। इसके बाद हमारे लेक्चर में शराब और डाइनिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया। मतलब अच्छी शराब को कैसे पहचाने, इसके बारे में कैसे बात करें, ये कहां से आती है, और इसके साथ ही हमने एकेडमी में प्रधानमंत्री के फॉर्मल डाइनिंग रूम में खाने का कई दिनों तक अभ्यास किया, और वहां भी दुनिया भर के फेमस रेस्टोरेंट्स के रियल मेन्यू का यूज करके ये सीखा कि एक प्रॉपर मील को कैसे एक देश के हिसाब से ऑर्डर किया जाए। और उधर ही अकेडमी के पिंग पोंग रूम में एक टीवी सेट 24 घंटे चालू रहता था, जिसमें कैनेडाई, ब्रिटिश, अमेरिकी और यूरोपीय टेलीविजन के टेप किए गए शो चलते रहते थे, ताकि हमें खाना खाते टाइम भी पता चलता रहे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है।
अपैम के तहत अगली चीज जो हमने सीखी वह ये थी कि किसी टारगेट को कैसे फॉलो किया जाए, मतलब पहले तो ग्रुप में, फिर अकेले, और कैसे इसी बीच अचानक से गायब हो जाया जाए, मतलब कभी तेजी से तो कभी धीमे से। हमें तय समय में किसी टारगेट से दूरी मापना भी सिखाया गया ताकि उसे पता ना चले कि कोई और फॉलो कर रहा है। जब हमने थोड़ा सीख लिया कि कैसे किसी को फॉलो करना है, इसके बाद तुरंत हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने क्लास शुरू कर दी। रूट रूटीन की ये वो प्रोसेस था जिससे पता लगाया जा सकता था कि कोई आपको फॉलो कर रहा है या नहीं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी था। मतलब किसी टारगेट कंट्री में यदि कोई कादसा कहता है कि उसका पीछा किया जा रहा है तो वहाँ पर मोसाद का स्टेशन 1 या 2 महीनों के लिए काम करना बंद कर देगा जब तक ये पता नहीं चल जाता कि कौन पीछा कर रहा था। और ये कहना भी काफ़ी खतरनाक है कि आपका पीछा किया गया है, क्योंकि इससे स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि कौन आपका पीछा कर रहा है, और इसका साफ मतलब यही निकलेगा कि आपके दुश्मन को आपके उस जगह पर होने का पता चल चुका है और आप जल्दी से उस ऑपरेशन को अबॉर्ट कर दो। इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि किसी टारगेट कंट्री के जिन घरों में हम रहेंगे वह सेफ हाउस ही होंगे, तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जब हम सुबह घर से निकलेंगे या रात को लौटें तो हमारा पीछा ना किया जाए। तो इसीलिए ये आम सा सुनाई देने वाला सब्जेक्ट भी इतना इम्पॉर्टेंट था। खैर, इसे रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेनीज को इजराइल में अलग अलग जगह पर जाने को कहा गया। वहां फिर उन्हें तय टाइम पर एक टास्क करना था, वो भी एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करते हुए। यह टास्क करने के बाद फिर उन्हें रिपोर्ट करना था कि उनका पीछा किया गया है या नहीं। यदि उनका पीछा किया जाता तो उन्हें रिपोर्ट करनी थी कि उन्होंने किसे, कब, कितने लोगों को देखा और वे कैसे दिखते थे। अब जिनको फॉलो नहीं किया गया तो उन्हें ये बताना था कि उन्होंने कहाँ और कब जांच की, उन्होंने कैसे जांच की और उन्हें क्यों लगा कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा था। इस एक्सरसाइज के दौरान जैसे हमें कहा गया था, हम में से हर एक को अपनी जेब में से एक छोटी सी टोपी रखनी थी, और जब हमें यकीन हो जाए कि हमारा पीछा किया जा रहा है तो हमें टोपी पहननी थी। फिर हमें फ़ोन के पास जाना था और नंबर डायल करना था और हमें बताना था कि हमारा पीछा किया जा रहा है, और हमें बताना था कि हमारा पीछा किया जा रहा है या नहीं। ट्रेनिंग की पूरी अवधि में मैंने केवल एक ही गलती की। मैंने एक बार कहा था कि मेरा पीछा किया जा रहा है जबकि मेरा पीछा नहीं किया जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी कैडेट्स में से एक ने मेरे रूट प्लान की नकल की और सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरा पीछा किया। मैंने टीम को उसका पीछा करते हुए देखा और मुझे लगा कि वे मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें अपना पीछा करते हुए नहीं देखा। क्या, चलो, जो भी, इस एक्सरसाइज को पास करने के लिए मुझे इस बैच में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे और हम सब पास भी हो गए थे। खैर, तो रिजल्ट घोषित करने के बाद इतन कहते हैं, वेल डन, आप सबने एपम थ्योरी में तो काफ़ी बढ़िया किया और मैं चाहता हूं कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसी परफॉर्मेंस दें। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके एक साथी ने हमारे एकेडमी का एक कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है और मैं चाहता हूं कि वो बिना कुछ किंतु परंतु करे हमारे सामने आ जाए। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड अगले संडे 9:15 पर। मुसाद एकेडमी में मेरी ट्रेनिंग को चलते हुए 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चला था। इस दौरान मुझे बहुत सी टेक्निकल नॉलेज भी मिल चुकी थी जो कि अब मुझे रियल लाइफ ऑपरेशंस में अप्लाई करनी थी। मैंने ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में ब्योटिक्स नाम के एक कोर्स के बारे में सुना था। उसमें यह था कि किसी से कॉन्टैक्ट करने के बाद उससे आगे काम कैसे निकलवाया जाए। खैर, इसी कोर्स को लेकर फिर हम फार ईस्ट और अफ्रीका के डिपार्टमेंट हेड एमी यार से मिले। उनकी कहानी इतनी दिलचस्प थी कि जब वो ख़त्म हुई थी तो सबका एक ही सवाल था, क्या सच में ऐसा भी होता है? मतलब यार के डिपार्टमेंट में ऐसे लोग थे जो खुफिया जानकारी के बजाय फ्यूचर के बिजनेस और डिप्लोमेटिक टाइज पर काम करते थे। उदाहरण के लिए उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट वाला एक एजेंट था जो जकार्ता में रहकर सीक्रेट रूप से काम कर रहा था। मतलब इंडोनेशियाई सरकार को भी थोड़ा बहुत पता रहता था कि इसका इजराइल से कुछ ना कुछ तो नाता है,
क्योंकि इसका मेन काम ही उस समय इंडोनेशिया और उस रीजन में हथियारों का कम दामों में बेचना था और उसके बदले में ये एजेंट वहां इजराइल के लिए समर्थन जुटाता था। और यार के पास ऐसे ही एजेंट जापान, भारत, अफ्रीका, श्रीलंका, मलेशिया के रीजन में भी थे। अफ्रीका में तो यार के यही एजेंट्स हथियारों की बिक्री में लाखों डॉलर का लेन देन कर रहे थे। यार ने ही बताया वो तीन चरण में काम करते हैं। उनको सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि संपर्क किए गए देश को क्या डर है और उसे क्या हेल्प चाहिए, वह किसे अपना दुश्मन मानते हैं। एक बार उनकी ऑन साइट एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन इकट्ठा होने पर यह इंफॉर्मेशन उस देश को दी जाती थी और यहाँ बताया जाता था कि इजरायली सरकार आपको जरूरत के मुताबिक हथियार और ट्रेनिंग दे सकती है। और एक बार जब किसी देश को हथियार पसंद आ जाए तो उसे बदले में इजराइल से फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने को कहा जाता था। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल उन्होंने अपने श्रीलंका में सिविल वॉर के एग्जांपल से दिया। मतलब एमी यार ने एक तरफ जहां श्रीलंकाई सरकार को कोस्टल एरिया में गश्त करने के लिए पीटी बोट्स उपलब्ध कराई थी, तो दूसरी तरफ तमिल्स जो सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे उन्हें एंटी पीटी बोट इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए थे जो सरकार से लड़ने में उनकी मदद कर सकते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए दोनों पक्षों को ट्रेनिंग भी दी थी। और ये वो समय था जब श्रीलंका इजराइल के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, लेकिन उन्होंने ना ही आगे बताया कि श्रीलंका में उनके इस खेल का इजराइल को फ्यूचर में कैसे फायदा मिल सकता है। और इतनी बड़ी बात सुनकर हम सब तो क्लास में ठहर से गए थे। खैर, आगे की एमी की क्लास ने तो हमारे होश ही उड़ा दिए। उन्होंने हमें मोसाद के एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में बताया जो पूरी तरह से PLO पर फोकस था। खैर, इसे पाहा कहा जाता था। इसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग क्लर्क थे और उनका काम PLO और अन्य आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के बारे में डेली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना था। जैसे ही एमी हमें इस डिपार्टमेंट में लेकर गए, वहां दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप था। उसके पास ही एक कंप्यूटर था जिस पर अगर आप अराफत टाइप करते तो वह आपको मैप पर वो लोकेशन दिखाता जहां अराफत की आखिरी बार मूवमेंट हुई होती थी। अगर आप अराफत 3 days टाइप करते तो ये कंप्यूटर पिछले 3 दिन में वह जहां भी गया होता वहां मैप पर लाइट रिफ्लेक्ट कर देता था। अब ये देखकर तो हम सब कैडेट्स की आंखें बाहर आ गई। खैर, एमी ने और शोक करते हुए बताया कि मोसाद के पास जो ये कंप्यूटर है इसमें 1.5 मिलियन से अधिक PLO के लोगों के नाम अपलोडेड है। मतलब आप ये कभी भी पता लगा सकते हैं कि PLO के कौन कौन से लोग कहां पर हो सकते हैं और क्या करने की योजना बना रहे हैं। एमी ने ही आगे बताया, मान लीजिए कि आप जिन 10 लोगों को ट्रैक कर रहे हैं उनमें से 8 एक ही दिन पेरिस में हैं, तो इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि वे कुछ प्लान कर रहे हैं और इनके खिलाफ रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन लिया जा सकता है। एमी ने ही आगे इसका भी बताया, उन्होंने कहा लेबनन युद्ध से पहले ऐसे ही एक अवसर पर एक एजेंट से इंफॉर्मेशन मिली थी कि लेबनन के PLO शिविर में अच्छी गुणवत्ता वाले गोमांस की एक खेप लाई गई है जो इन शिविरों में आमतौर पर नहीं लाई जाती थी। मोसाद को पता था कि PLO हमले की योजना बना रहा है लेकिन कब इसका अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा था। पर जब गोमांस की खेप आने की खबर मिली तो ये साफ हो गया कि आज हमले से पहले पार्टी वाली रात है। फिर इसी रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए इजरायली नेवी कमांडोज ने PLO पर हमला किया और 11 PLO गोरिल्लाओं का सफाया कर दिया। ये ऑपरेशन इस बात का उदाहरण था कि छोटी छोटी जानकारियां कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और हर चीज को रिपोर्ट करना कितना आवश्यक है। खैर, एमी यार का तो हमेशा से फोकस हमें छोटी छोटी जानकारियों को पहचानना और उस पर एक्शन लेने पर ही रहता था। और एमी की क्लास के बाद हमारी होती थी एक प्रैक्टिकल क्लास। उसमें हमारी ट्रेनिंग के दूसरे महीने की शुरुआत से ही हम कैडेट्स को .22 कैलिबर बेरेटा दी गई थी जो मोसाद में कटास का ऑफिशियल हथियार भी होता है। हमें इस प्रैक्टिकल क्लास में बताया गया था कि जब आपको किसी टारगेट पर गोली चलानी होती है तो आपको अपने टारगेट पर अधिक से अधिक गोलियां मारनी चाहिए। जब आपका टारगेट जमीन पर गिर जाए तो आप उसके पास जाएं, अपनी बंदूक उसकी कनपट्टी पर रखें और एक बार
और गोली चलाएं। इस तरह आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि उसका काम तमाम हो गया है। खैर, कच्छास आमतौर पर फ्लैट ट्रिप्ड या दम बुलेट्स का यूज करते हैं, जो खोखली या नरम नाक वाली होती है, जो फायरिंग के बाद फैल जाती हैं और गंभीर घाव पहुंचाती हैं। हमारी हथियारों की ट्रेनिंग पैताह टिकवाह के पास एक मिलिट्री बेस के पास हुई, जहां इजरायली सेना विदेशी सरकारों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी करवाती थी। हमने टारगेट्स के सामने घंटों प्रैक्टिस किया। खैर, इसी प्रैक्टिकल क्लास में हमें इतना तक सिखाया गया कि किसी रेस्टोरेंट में जरूरत पड़े तो बंदूक कैसे चलाना होता है। मतलब इंस्ट्रक्टर ने हमें गाइड किया कि बंदूक या तो अपनी कुर्सी से पीछे गिरकर मेज के नीचे से चलानी होती है, या उसी समय मेज पर लात मारकर गोली दागनी होती है। खैर, मुझे इसमें कभी महारत हासिल नहीं हुई, लेकिन हम में से कुछ ने तो इस ट्रेनिंग में बहुत बढ़िया किया। हमारा बाकी शेड्यूल तो सेम ही था, पर जब हमारी वो प्रैक्टिकल क्लास खत्म हुई तो उसकी जगह एक और सब्जेक्ट की क्लास ले ली गई। उस क्लास के लेक्चर में तो इंस्ट्रक्टर ने पहले हमें अलग अलग टैंक, जीपें और अन्य हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। फिर हफ्ते के बाद इसी क्लास में एक और टॉपिक पर लेक्चर शुरू हुआ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और वो था पासपोर्ट। खैर, इंस्ट्रक्टर ने लेक्चर की शुरुआत कुछ इस प्रकार से की। उन्होंने बताया, मोसाद का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है। ये चार प्रकार का होता है, टॉप, सेकेंड, फील्ड ऑपरेशन और थ्रो अवे। फिर उन्होंने बताया, थ्रो अवे पासपोर्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब इसे केवल ऊपर ऊपर से दिखाना हो। इसमें कभी कभी तो फोटो और नाम तक बदल दिया जाता है। ज्यादातर ऐसे पासपोर्ट का इस्तेमाल इसराइल के अंदर ट्रेनिंग एक्सरसाइज में ही किया जाता है। फिर उन्होंने फील्ड ऑपरेशन पासपोर्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी दूसरे देश में छोटे काम करने गए हो, लेकिन बॉर्डर पार करते समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कोई भी एजेंट एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल नहीं करता। मतलब इस पासपोर्ट को हमेशा एक डिप्लोमेटिक बैग के अंदर दूतावासों के कागजात के बीच रखकर ले जाया जाता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक बैग को खोलकर चेक नहीं किया जाता। फिर उन्होंने बताया सेकेंड क्वालिटी पासपोर्ट का। उन्होंने कहा, ये सबसे परफेक्ट पासपोर्ट्स होते हैं एक कादसा के लिए, क्योंकि ये उनकी कवर स्टोरी पर बेस्ड ही बनाए गए होते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई रियल पर्सन नहीं होता है। पर इन्हीं पासपोर्ट्स को एक कादसा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज करता है। खैर, दूसरी ओर जो सबसे बेस्ट पासपोर्ट होते हैं, उन्हें टॉप क्वालिटी पासपोर्ट कहा जाता है। उसमें एक तो कवर स्टोरी और उसके पीछे एक व्यक्ति होता है जो उस कवर स्टोरी को सपोर्ट करता है और किसी तरह के जांच होने पर काम आता है। खैर, इन पासपोर्ट का उपयोग इमरजेंसी ऑपरेशंस में ही किया जाता है। खैर, फिर इंस्ट्रक्टर ने बताया कि इन पासपोर्ट को बनाने के लिए मोसाद के पास एक छोटी सी फैक्ट्री भी है, क्योंकि अलग अलग देशों के पासपोर्ट में अलग अलग कागज का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए वैसा ही कागज तैयार करने के लिए कई लोग काम करते हैं। वैसे उन्होंने बताया कि मोसाद को कनाडाई पासपोर्ट खूब पसंद आता है और वो उसका इस्तेमाल भी खूब करते हैं। दरअसल कनाडाई पासपोर्ट में जो कागज इस्तेमाल होता है, वही कागज जॉर्डन के दिनार में भी इस्तेमाल हो रहा था, तो इस पासपोर्ट को बनाना मोसाद के लिए काफी आसान भी था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मोसाद के पास पासपोर्ट स्टैंप्स और सिग्नेचर का भी एक बड़ा सा कलेक्शन है, जो उन पासपोर्ट पर किसी देश में एंट्री के दौरान लगाए जाते थे। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि मोसाद इस काम में इतनी माहिर है कि अगर आपके पासपोर्ट पर किसी दिन एक एथेंस की स्टैंप लगी है और आप एथेंस में जाकर ये जांच करेंगे कि उस दिन किस अधिकारी ने वो स्टैंप आपके पासपोर्ट में लगाई है, तो आप ये पाएंगे कि मोसाद की स्टैंप और एथेंस एयरपोर्ट की स्टैंप पर आपको सेम ऑफिसर का ही नाम मिलेगा। खैर, जब हमारी ये पासपोर्ट वाली क्लास खत्म हुई तो उसी जगह फिर इस्लाम पर क्लास ले ली गई। फिर अगले 6 सप्ताहों के लिए हमें इस्लाम के बारे में लेक्चर दिया गया। इसमें इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों, इसके इतिहास और रीति रिवाजों और छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही उनके फॉलोअर्स और उन्हें किस चीज से प्रभावित किया, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। इसी लेक्चर के दौरान हमें बॉडलिम के बारे में भी सिखाया गया। ये वो लोग होते हैं जो किसी देश में सेफ हाउसेस और एम्बेसी के बीच मैसेंजर्स के रूप में काम करते हैं। एक बॉडेल का मेन ट्रेनिंग अपाम डिपार्टमेंट में भी होता है। उन्हें भी ये सिखाया जाता है कि कैसे पता करें उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं।
और इनको सिखाया जाता है कि कैसे ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिप्लोमेटिक बैग्स में रख सकते हैं, क्योंकि इन बैग्स को कैरी करने वाले को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त होती है। इनका मेन काम पासपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेजों को कांसास तक लाना और कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को एम्बेसी तक वापस ले जाना होता है, क्योंकि एक मोसाद कांसा को हमेशा इजरायली एम्बेसी में आने की अनुमति नहीं दी जाती है। बॉडलिम आमतौर पर 20 साल के बीच के लड़के होते हैं जो एक या दो साल तक ये काम करते हैं। वो अक्सर इजरायली छात्र होते हैं जो किसी कॉम्बैट यूनिट के साथ जुड़े होते हैं। अधिकांश किसी देश के मोसाद स्टेशन में 2 या 3 बॉडलिम होते हैं। उनका एक अन्य काम किसी देश में मोसाद के सेफ हाउसेस की देखभाल करना भी होता है। बॉडलिम को ये भी इंश्योर करना होता है कि सेफ हाउसेस के रेफ्रिजरेटर्स में खाने पीने की चीजें भरी हुई हों, बिलों का भुगतान किया गया हो। बॉडलिम इन सेफ हाउसेस में रह सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में दोस्तों या गर्लफ्रेंड को नहीं ला सकते। इसके लिए उन्हें आमतौर पर $1,000 और $1,500 प्रति माह पैसे भी मिलते हैं। इसके साथ ही उन्हें ना तो कोई और किराया देना होता है और ना ही खाने पीने का बिल और ना ट्यूशन। इन सब का पेमेंट मोसाद द्वारा ही किया जाता है। खैर, बॉडलिम पर इस लेक्चर के बाद इंस्ट्रक्टर क्लास को कहते हैं ये सब्जेक्ट पर आपका आखिरी लेक्चर था। आप सभी इस सब्जेक्ट के एग्जाम के बारे में शायद ऑफिस में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 घंटे में ही आपका इम्तिहान भी है। अभी तक आपके मेजर टेस्ट एकेडमी के अंदर ही हुए हैं, लेकिन इस बार आपको फील्ड पर जाना होगा। अब तक तो हमें पता चल चुका था कि मोसाद वक्त वक्त पर हमें सरप्राइज करता है, लेकिन ये एक एग्जाम था जिसको पास नहीं किया तो आपका कोर्स यही इसी वक्त खत्म हो सकता था। और अब इंस्ट्रक्टर की ये बात सुन सबके मुंह की हवाइयां भी उड़ चुकी थी। मैंने आज जो मोसाद एकेडमी में देखा, इसका तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे आइडल और मोसाद सेकंड इन कमांड मार्क हेसनर ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब मार्क हेसनर एकदम नगन थे, उनके आसपास कई सारी लड़कियां थी और मैं और मेरे साथी उनको बस इस खिड़की से देखे जा रहे थे, और शायद ही मैं इतना अपनी ज़िंदगी में कभी विचलित हुआ हूँगा। खैर, मोसाद में हमारी ट्रेनिंग को चलते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। इस दौरान हमें लगातार फ्लेक्सिबल और वर्सेटाइल बनने के लिए कहा जाता था। हमारे पास जो भी स्किल थी उसे और डेवलप करने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि हमने जो भी सीखा था बाद में वो एसेट में बदला जा सकता था। इसीलिए हमें मोसाद अकेडमी में हर चीज़ के बारे में जितना संभव हो उतना सीखने पर जोर दिया जाता था। मोसाद में ट्रेनिंग के दौरान माइकल एम और हेम एम मेरे छोटे से गुट का हिस्सा बन गए थे। खैर, वो दोनों बहुत बातूनी थे। मुझे तो लगता था कि उनकी एंट्री मोसाद एकेडमी में बैकडोर चैनल्स के द्वारा ही हुई है, क्योंकि एक तो वे ज़्यादातर टीचर्स को पहले से ही जानते थे और दूसरा मोसाद चीफ जनरल्स और अन्य हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की भर्ती कैसे करेंगे इस बारे में ही बातें करते रहते थे। जैसा मैंने बताया, हेम और माइकल बहुत ही ज़्यादा बातूनी थे, इसीलिए मेरी जल्द ही उनसे दोस्ती भी हो गई। हम सभी फिर एक ही साथ रहते थे, मतलब क्लासेस में भी एक ही साथ आते जाते थे, ब्रेक के दौरान कॉफ़ी और केक के साथ बातचीत करते थे। खैर, इस वक्त तक तो हम लोगों की दोस्ती भी बहुत पक्की हो गई थी। और इन रिफ जो कि अब इस सेमेस्टर के लिए हमारे मेन इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने आज की क्लास टेवल और लियासन पर शुरू की। उन्होंने बताया कि मोसाद के किसी ऑपरेशन में कलेक्ट की गई सभी जानकारियों का लगभग 60-65% हिस्सा ओपन मीडिया जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न से आता है। वहीं लगभग 25% हिस्सा सैटेलाइट्स, टेलेक्स, टेलीफोन और रेडियो कम्युनिकेशन से, और बाकी 5-10% लियासन से। पर यही जानकारी का हिस्सा ह्यूमन से 2-4% के बीच रहता है, लेकिन ये छोटा परसेंटेज कलेक्ट की गई सभी खुफिया जानकारी में सबसे अहम रहता है। उन्होंने फिर कहा, इस टॉपिक की बात हम किसी और लेक्चर में करेंगे, पर आज लायसन पर लेक्चर जेव एलन देंगे। और एलन का नाम सुनते ही क्लास में सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि वे वो मोसाद कादसा थे जिन्होंने यहूदियों के दुश्मन हर्बर्ट ककर्स को पकड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, और उन्होंने अपना लेक्चर लायसन पर देना शुरू किया।
उन्होंने समझाया कि अब आप किसी दूसरी फ्रेंडली इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं तो वो शुरू में तो आपको एजेंसी के लिंक के रूप में मानता है और आप भी उसे दूसरी एजेंसी के ही एक लिंक के रूप में मानते हो, मतलब आप उसको वही इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके सुपीरियर्स चाहते हैं और शुरू में तो वो भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप दोनों के बीच केमिस्ट्री बैठ जाएगी तब आप उस एजेंट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो आपको एक फ्रेंड की तरह समझे। इस रिलेशनशिप का फ़ायदा तब मिल सकता है जब आप ऐसी स्थिति में हों जहां आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वो फ्रेंडली एजेंसी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा रही, तो ऐसी सिचुएशन में ही ऐसी रिलेशनशिप्स काम आती हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल होती हैं और इसे रिपोर्ट लिखते समय इसे जंबो के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। फिर उन्होंने हमें थोड़ा और जंबो पर लेक्चर दिया और उस लेक्चर के तुरंत बाद एक ब्रेक हुआ और उसके बाद हमारा टेक्निकल ऑपरेशन पर एक और लेक्चर हुआ जिसमें हमें पता चला था कि मोसाद के पास दुनिया में ताले क्रैक करने की सबसे अच्छी क्षमता है। मतलब इंस्ट्रक्टर ने ही आगे बताया जैसे ग्रेट ब्रिटेन में अलग अलग ताला बनाने वाले तालों की सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए उन्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस को भेजते थे लेकिन जिन तालों को ब्रिटिश इंटेलिजेंस भी क्रैक नहीं कर पाती थी उनको फिर मोसाद के पास भेजा जाता था जहां फिर मोसाद एक्सपर्ट इसका एनालिसिस कर पता लगाते थे कि इसे कैसे क्रैक किया जा सकता था। खैर आपको तो ये साधारण सी बात लग रही होगी कि तालों में ऐसी क्या खास बात होती है, तो मैं आपको बता दूं इसका भी आपको जल्द ही पता लग जाएगा। खैर ये लेक्चर खत्म होने के बाद फिर इंस्ट्रक्टर डॉव एल हमें पार्किंग में लेकर चले गए जहां पहले से ही 7 फोर्ड एस्कॉर्ट्स खड़ी थी। खैर यहाँ हमें ये सिखाने के लिए लाया गया था कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई कार आपका पीछा कर रही है या नहीं। फिर डॉव ने बोला ये कुछ ऐसा है जिसकी आप बार बार प्रैक्टिस कर ही सीख सकते हैं, ये फिल्मों या किताबों में जैसा लिखा होता है वैसा नहीं होता। कि आपका कोई पीछा कर रहा हो तो आपके गर्दन के पीछे छोटे छोटे बाल खड़े हो जाए, या आप केवल प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं कि आपका कोई पीछा कर रहा है या नहीं। और ये कहते सार ही डॉव ने हमारी प्रैक्टिस शुरू करवा दी। फिर यही पूरा शेड्यूल कुछ और महीने चला लेकिन एक दिन अचानक इंस्ट्रक्टर रैन एस ने मोसाद के एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट सियानियम पर एक लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कि सियान जिसका हेब्रू में मतलब ही हेल्पर होता है, इन ऑपरेटिव्स की एक तो ये बात होती है कि ये 100% ज्यूज होते हैं और इसराइल से बाहर किसी और देश में रह रहे होते हैं। खैर ये किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, मतलब वो डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन जैसे किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की भावना से काम करते हैं। ये वो बंदे होते हैं जो इसराइल के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जैसे ना ही इनको कोई सैलरी दी जाती है और ना ही इनको कोई ट्रेनिंग, या खासकर वो ज्यूज होते हैं जो मोसाद ने पहले से आइडेंटिफाई करके रखे होते हैं जो फ्यूचर में किसी ऑपरेशन में उनकी बिना किसी शर्त के मदद करने को तैयार रहते हैं। इनका फॉर्मल यूज 1960 में मोसाद डायरेक्टर मेयर अमित ने शुरू किया था। फिर उन्होंने कहा ये कई अलग अलग रोल्स निभाते हैं, उदाहरण के लिए एक कार किराए पर लेने वाली एजेंसी चलाने वाला सियानियम से मोसाद बिना कंप्लीट डॉक्यूमेंट के कार किराए पर ले सकता है, एक बैंक सियानियम आपको पैसे दिला सकता है, एक डॉक्टर सियानियम पुलिस को रिपोर्ट किए बिना गोली के घाव का इलाज कर सकता है। सियानियम का मेन आइडिया ही ये है कि जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों का समूह जो मुश्किल घड़ी में अपनी सर्विस दे सके और वफादारी निभा सके और चुप रहे। फिर उन्होंने आगे बताया कि एक कादसा ही इन सियानियम्स का हेड होता है, एक कादसा के अंदर कम से कम 100 सियानियम काम कर रहे होते हैं, इससे मोसाद कम एजेंट्स के साथ भी काम चला लेती है। फिर आगे उन्होंने एक और दिलचस्प बात बताई, उन्होंने कहा ज्यादातर लोग ये सोचने की भी गलती करते हैं कि टारगेट कंट्रीज में ऑपरेशनल स्टेशन ना होने से मोसाद को नुकसान होता है, मतलब जैसे यूएसए के पास मॉस्को में स्टेशन है और रूस के पास वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में ऑपरेशन स्टेशन है लेकिन इसराइल के पास अरब देशों में कोई ऑपरेशनल स्टेशन नहीं है। लेकिन ये वे नहीं समझते कि मोसाद यूरोप और यूएसए सहित इसराइल के बाहर पूरी दुनिया को ही अपना टारगेट मानता है। अधिकांश अरब देश अपने हथियार स्वयं नहीं बनाते हैं, उदाहरण के लिए अधिकांश के पास हाई लेवल मिलिट्री कॉलेजेस नहीं है। यदि आप किसी सीरियन डिप्लोमेट की भर्ती एज अ एजेंट करना चाहते हैं तो आप
आपको दमिश्क में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इसे पेरिस में भी कर सकते हैं। यदि आप किसी अरब मिसाइल पर डेटा चाहते हैं तो आपको ये सब उस देश में करने की जरूरत नहीं, वह आपको पेरिस, लंदन या यूएसए में मिलेगा जहां इसे बनाया गया है। आप सऊदी अरब के बारे में सऊदी लोगों से कम जबकि अमेरिकियों से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मतलब सऊदी के पास है ही क्या। अवैक्स, ये बोइंग बनाती है और बोइंग अमेरिकी कंपनी है, ऐसे में आपको सऊदी की क्या ही जरूरत है। और यदि आप किसी अरब सीनियर ऑफिसर तक पहुंचना चाहते हैं तो वे इंग्लैंड या यूएसए में स्टडी करते हैं, उनके पायलट इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए में ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं उनके कमांडो इटली और फ्रांस में ट्रेनिंग लेते हैं, आप उन्हें वहां से ही एज अ एजेंट भर्ती कर सकते हैं। खैर ये सब सुनकर तो मैं भी एक बार सोच में पड़ गया, लेकिन रैन एस ने अपनी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हमें वाइट एजेंट्स के बारे में भी पढ़ाया। उन्होंने बताया ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सीक्रेट या डायरेक्ट तरीके से भर्ती किया जाता है, जिनको कई बार तो ये तक नहीं बताया जाता कि वो इसराइल के लिए काम करने वाले हैं। खैर वे हमेशा नॉन अरब्स होते हैं और आमतौर पर उनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। और सही में उस दिन ये 3 घंटे का लेक्चर सुन मेरा तो सिर सा दर्द करने लग गया था। फिर कुछ दिन बाद हमने उस शाम की क्लास में, जिसमें हमें ये पता करना होता था कि आपका पीछा किया जा रहा है या नहीं, वहाँ हमने मॉल्टर नाम की एक टेक्निक सीखी, जिसमें ये था कि यदि आपको ऐसे एरिया में गाड़ी चलानी है जिससे आप अनफेमिलियर हैं तो आपके पास कोई प्री प्लान रूट नहीं है, तो ऐसे में आप पहले बाएं मुड़ेंगे, फिर दाएं मुड़ेंगे, फिर कुछ दूर चलने के बाद रुकेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे चलते जाएंगे। और मैं सही बता रहा हूँ, इस टेक्निक को फॉलो करते करते तो हम सब की हवा टाइट सी ही हो जाती थी और वहीं हमारे इंस्ट्रक्टर इसको बड़ी ही आसानी से कर लेते थे। खैर फिर कुछ दिन बाद एक ऑपरेशनल काटसा जिसका नाम रैबिट्स था, उन्होंने हमें एक लेक्चर में इसराइल स्टेशन के बारे में बताया जो कि साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस और टर्की में मोसाद एजेंट्स को संभालता था। उन्होंने ही बताया कि स्टेशन के कादसाओं को हॉपर्स या जंपर्स कहा जाता है क्योंकि वे तेल अवीव हेडक्वार्टर में ही काम करते थे, क्योंकि इन देशों से ऑपरेट करना बहुत ही खतरनाक होता था क्योंकि यहाँ की सरकारें PLO समर्थक थी। खैर उन्होंने अपना लेक्चर कंटिन्यू रखा और उन्होंने बताया कि किसी एजेंट को रिक्रूट के बाद पेमेंट कैसे दी जाए। उन्होंने ही बताया किसी भी स्टेप को लेने से पहले आपको उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पहले ही जानकारी होनी चाहिए, मतलब आप किसी ऐसे बंदे को पहली बार में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते जिसका काम धंधा चल सा ना रहा हो, क्योंकि इससे उसके आसपास के लोगों को शक होना लाजमी हो जाता है। फिर उन्होंने बताया मोसाद का एक मेथड है किसी टारगेट एजेंट को फाइनेंशियली सेटअप करने का। मान लो यदि मोसाद के साथ उस एजेंट का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसे $4,000 प्रति माह मिलने हैं, लेकिन वो $1,000 में अपनी जीवन शैली बदले बिना रह सकता है, तो कादसा उसका एक बैंक अकाउंट इंग्लैंड में खोलेगा जहां उस एजेंट के 1 साल का वेतन डाला जाएगा। उसमें से एजेंट को पहले सिर्फ 12,000 मिलेंगे और बाकी के 36,000 बैंक में जमा रहेंगे। दूसरे साल फिर वैसे ही उस एजेंट को 12,000 मिलेंगे और बाकी 36,000 जमा रहेंगे। खैर इस मेथड से आप ना केवल उसे डे टू डे सिक्योरिटी दे रहे हैं बल्कि उसका फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप उसे अपनी करीब भी रख रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने थोड़ा इंटेलिजेंस का बताया। उन्होंने बोला अगर हम मोसाद में इंटेलिजेंस की बात करें तो मोसाद 3 तरह की इंटेलिजेंस एनालिसिस करता है। सबसे पहले तो ह्यूमन, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंस इंसानों से मिलती है, मतलब जो कादसास अपने एजेंट्स या सयान से कैरी करता है उसे ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा है सिग्नल्स या अलाइंट, जो कि यूनिट 8200 जो खुद पार्ट है इजरायली आर्मी इंटेलिजेंस कॉर्प्स का, जो कि दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकी की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट एनालिसिस करके जो इम्पोर्टेंट है वो मोसाद के सामने रखती है। अब तीसरी और लास्ट है साइंट या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग फ्रॉम रेगुलर मीडिया। अब ये काम एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक खुफिया विभाग करता है जिससे जो कि दुनिया में चल रही अफवाहों को, प्रोपोगंडा को और जियोपॉलिटिक्स में किस तरह हवा चल रही है उन सब का ब्योरा मोसाद के सामने रखता है। अब ऑपरेशन रिपोर्ट्स जो मोसाद कादसास द्वारा बनाई जाती हैं वो हर किसी डिपार्टमेंट के लिए उपलब्ध नहीं होती, और जो रिपोर्ट्स जिस डिपार्टमेंट के लिए रेलिवेंट हैं उनको ही दिखाई जाती है।
अब ये सिस्टम मुसाद का मोस्टली हर एक डिपार्टमेंट फॉलो करता है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का एक चीफ होता है जो कई सारे कादसाओं को मैनेज करता है और वो कादसा कई सारे सयान और एजेंट्स को मैनेज करता है। और मैं अब तक इतना लेक्चर सुन सही में हैरान सा हो गया था। मुझे लगता था कि मुसाद की इंटेलिजेंस गैदरिंग नेवी से तो कहीं बेहतर होगी, पर इतनी ये तो मेरे लिए भी सोचना थोड़ा असंभव था, क्योंकि एक तो वो साल 1984 था, तब हमारे लिए भी ये सब नया सा था। और इसके तुरंत बाद रिक्रूटमेंट की बारीकियों पर यहूदा गिल ने भी एक लेक्चर दिया, और वो सही में एक लेजेंडरी कादसा थे जिनका परिचय रिफ ने ही मुझे एक गुरु के रूप में दिया था। उन्होंने लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था, लोगों को रिक्रूट करने में आप ये तीन प्रमुख कारण बना सकते हो, मनी, इमोशन और मैथुन। उन्होंने बताया, पहला मनी, इसका उपयोग कर आप कुछ खास लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, मतलब किसी देश में अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत बर्ताव हुआ और वह अब उस बात का बदला लेना चाहता है, ऐसे बंदे को आप अकेले पैसे के दम पर ही रिक्रूट कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा, मैथुन, ये एक यूजफुल तरीका तो है, लेकिन इसे पेमेंट का सही तरीका नहीं माना जाता, क्योंकि जिन लोगों को हम भर्ती करते हैं उनमें से ज्यादातर आदमी ही होते हैं। और एक कहावत है, वुमेन गिव एंड फॉरगिव, मेन गेट एंड फॉरगेट। भले ही ये पेमेंट के मामले में इतना कारगर तरीका ना हो, पर ये द बेस्ट तरीका है अगर आप किसी खास एजेंट को रिक्रूट करना चाहते तो जिसको पैसे से इतना खास मतलब ना हो, उसके लिए ये तरीका यूज किया जा सकता है। तीसरा इमोशन, उन्हें बताया, भले ही लोग आपके सामने कितना ही समझदार बने, पर इतिहास गवाह है आज तक जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उसके पीछे किसी ना किसी के कुछ इमोशन जरूर रहे। फिर गिल ने आगे कहा, भले ही कुछ जगह ये तरीके काम करते हों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सही तरीके हैं। उन्होंने ही फिर आगे बताया कि एस्पियोनेज की दुनिया में अगर कोई चीज ठीक होती है तो वो हर बार बार काम करेगी। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर यत्ज़ग कनाफी द्वारा दिया गया, जो टसोमेट काचा रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट में मिलने वाले लॉजिस्टिकल सपोर्ट को समझाने के लिए चार्ट की एक सीरीज लेकर आए थे, और उन्होंने कारों से लेकर सनैनियम तक का कैसे यूज होता है एक मुसाद की ऑपरेशन, वो सब कम से कम 20 मिनट में ही बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बताना शुरू करा पेपर सपोर्ट का, मतलब वो तरीका जिससे एक कादसा की एक ऑपरेशन के लिए झूठी कहानी बनाई जा सके। उन्होंने बताया कि एक कादसा कह सकता है कि वह IBM की एक फॉरेन ब्रांच में एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि ये कंपनी इतनी बड़ी है कि आप एक IBM अधिकारी को वर्षों तक छिपा कर रख सकते हैं, और ऐसी कहानी लोगों के मन में ज़्यादा शक भी पैदा नहीं करती। खैर, हमारे कोर्स के लगभग 6 महीने में एक मिड टर्म मीटिंग हुई जिसे बबलत कहा जाता है। ये 5 घंटे तक चली। उससे 2 दिन पहले हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें मेरे सहयोगी आरिफ एफ और मुझे कैकर हमदीना के पास हेनरिएटा सोल्ट स्ट्रीट पर एक कैफे में बैठने के लिए कहा गया था। इस दौरान वहाँ एक आदमी था जो हमें बार बार देखे जा रहा था। मैं इसको लेकर चिंतित हुआ तो वहाँ से जाने की बात कही, लेकिन आरिफ ने कहा कि वो नहीं जा सकते। मैंने उससे कहा, अगर तुम रुकना चाहते हो तो ठीक है, और ये कहकर मैं वहाँ से चला गया और सोचा दूर से निगरानी रखूँगा। हम जिस आदमी का इंतज़ार कर रहे थे वो 10 मिनट बाद आया, और जैसे ही वह अंदर आया उसके 2 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियों ने उस जगह को घेर लिया। उन्होंने उन दोनों को बाहर खींच और बहुत पीटा। मैंने इमरजेंसी को फ़ोन किया तो बाद में पता चला कि ये पूरा प्रकरण मुसाद एकेडमी और तेल अवी पुलिस के सीक्रेट डिपार्टमेंट के बीच एक जॉइंट प्रैक्टिस थी, और हम इस एक्सरसाइज का चारा थे। इस पिटाई के दौरान मेरे सहयोगी को एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा और उसका सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसके सर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया और वो 2 दिन तक बेहोश रहा। और मैंने ये मुद्दा आज की इस बैबलेट मीटिंग में उठा दिया। खैर, मेरी बात को इंस्ट्रक्टर्स ने तो बहुत ध्यान से सुना, पर मीटिंग के बाद मुझे हेम और मैकल को हमारी ऑपरेशनल रिपोर्ट को असेंबल करने के लिए लगा दिया। खैर, ये काम करते करते हमें टाइम का पता सा नहीं रहा, और हम गलती से उस दिन रात के लगभग 12 बजे तक ये काम करते रहे। तो जब हम काम निपटाकर एकेडमी से निकल रहे थे तो हमने पूल एरिया में बहुत ज़ोर ज़ोर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। तो मैंने माइकल से पूछा, व्हाट द हेल इज़ दैट? उसने तो पूरे उत्साह में कहा, चलो आगे चलकर देखते हैं। तो हेम ने उसे टोकते हुए कहा, चुप रहो, थोड़ा आराम से चलकर देखते हैं। और मैं और माइकल हेम के पीछे होकर चलने लग गए। जब हम एकेडमी के दूसरे मंजिल की खिड़कियों के पास पहुंचे तो मैंने जो देखा वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा।
मतलब मोसाद की सेकंड इन कमांड मार्क हेस्नर, उनके बहुत से सेक्रेटरी और ढेर सारी लड़कियां सब मैथुन पूल पार्टी कर रहे थे। कोई पानी में खेल रहा था, तो कोई डांस कर रहा था, तो कोई कंबल पर लड़कियों के साथ लेटा हुआ था। मैंने ऐसा सीन कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब मोसाद में आने से पहले मैं नेवी में था, और आपको पता ही है ऐसे मामलों में अगर हमें पकड़ लिया जाए तो हमारा क्या ही हाल होता है। पर मोसाद ये तो दुनिया की द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो जितना अब तक मैं मोसाद को जान पाया था, मुझे नहीं लगता था कि इस एजेंसी में ऐसा कुछ भी हो सकता है। हम फिर यहाँ करीब 20 मिनट तक रुके, लेकिन फिर भी हमने हीरोज जिनका हम आदर करते थे उनको ऐसा देख, मैं तो अंदर से हिल चुका था। लेकिन फिर मैंने एक अजीब सी बात नोटिस करी, जितना कि मैं इस सब को देख सहम सा गया था, तो वहीं माइकल और हेम के मुंह पर एक शिकन तक नहीं थी। खैर, फिर हम वहां से बाहर निकल आए। बाद में जब मैंने इस बात का पता करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि पूल के आसपास का इलाका इजराइल का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। मतलब जब तक आप मुसाद से ना हो, आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते। मुझे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे साथी भी कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें पूछने की कोशिश भी की कि तुम्हें क्या लगता है, जो हमने देखा क्या वो सही में सच है या कोई छलावा। तो मेरी इस बात को सुन वो दोनों खुद मेरे से ही पूछने लग गए, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और दोनों कहने लग गए कि हमने तो बस आवाज़ें ही सुनी थी, बाकी खिड़की से तो सारा सीन तुमने ही देखा है। और अब मुझे इनकी बातों का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद हम मार्क की क्लास में बैठे हुए थे, और उनसे लेक्चर लेना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर ये दोनों अब भी एकदम शांति से लेक्चर सुन रहे थे। मुझे याद है मैंने उनसे लेक्चर के बीच में ही एक सवाल पूछ लिया, और मुझे सही में नहीं पता मैंने उस वक्त ये सवाल क्यों करा था। मैंने बस इतना पूछा कि अब आपकी पीठ कैसी है। खैर, तो ये सुनते ही हेस्नर मुझे देखने सा लग गए, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर जब क्लास खत्म हुई, तो उन्होंने मुझे उनकी ऑफिस में बुला लिया।